ये बटोरुआ पार्टी सत्ता लोभी सब एक पागल को लेकर के एक घंटा निकलता है कभी कभी, वो भी अभी एक पागल को लेकर के एक घंटा निकलता है कभी कभी, वो भी अभी एक पागल को लेकर के एक घंटा निकलता है कभी कभी, वो भी अभी। उपचुनाव का चुनाव प्रचार धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार का विकास तो वो ही करने वाले हैं, लेकिन सबकी नज़र लगी हुई है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर कि ये कब चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। क्या अभी वक्त है इनके चुनावी अखाड़े में उतरने का, या फिर जाएंगे ही नहीं जाएंगे? ये चर्चा कल तक थी, इस पर तरह तरह की बातें की जा रही थी कि कहीं इन नेताओं को कुछ लोगों ने घर में नज़रबंद तो नहीं कर दिया है, लालू प्रसाद को घर में तो नज़रबंद नहीं किया गया है, नीतीश कुमार को उनके अधिकारी और कुछ नेता कैद तो करके नहीं रख लिए, आखिर ये लोग चुनावी अखाड़े में आ क्यों नहीं रहे हैं। तो इस गहमा गहमी के बीच एक बयान आया सुधाकर सिंह का, बक्सर के सांसद हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, लेकिन लगता है कि चुनाव के टेंशन में जुआ फिसल गई। कह रहे हैं कि एक पागल नेता को एकाध घंटा के लिए कोई निकालता है और नीतीश कुमार भी तो नहीं आए हैं, तो फिर लालू प्रसाद पर बात क्यों की जाती है, वो तो बीमार है। पहले सुनिए सुधाकर बाबू को कि वो बोल क्या रहे। लालू प्रसाद ये स्वास्थ्य कारणों से घोषित रूप से इलाजरत है, अभी तत्काल में उनका बाईपास सर्जरी हुआ है। लालू प्रसाद जी के बारे में जो ये बात कहने वाले लोग हैं, कौन पार्टी, जदयू पार्टी, ये कोई पार्टी है, ये बटोरुआ पार्टी सत्ता लोभी सब, एक पागल को लेकर के एक घंटा निकलता है कभी कभी, वो भी अभी तक चुनाव में दिखे नहीं नीतीश कुमार। अपने नेता के बारे में, जो बिहार का मुख्यमंत्री है, हमारे तो नेता बीमार है, उनका इलाज चल रहा है, सभी बिहार जानता है देश, लेकिन उनके नेता जो कैद में हैं चंद नौकर शाह और कैबिनेट मंत्रियों के अघोषित रूप से, उनको चंगुल से बाहर कैसे निकले बिहार की जनता सोच रही है और इलाज कर देगी। अब चुनाव में गर्मा गर्मी होती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन पागल जैसे शब्द का इस्तेमाल खासकर सुधाकर सिंह जैसे नेताओं से लोग अपेक्षा नहीं करते हैं। दूसरे लोग आरजेडी के लोग बोलते हैं, लोग समझते हैं कि चलिए चलने दीजिए, लेकिन सुधाकर सिंह जैसे पढ़े लिखे समझदार नेताओं से ऐसे शब्द का उपयोग करने की अपेक्षा बिहार में तो लोग नहीं करते कि सुधाकर बाबू इस तरह की भाषा भी बोल सकते हैं। लेकिन उनके भाई खड़े हैं, बहुत ही गहमा गहमी वाला चुनाव चल रहा है, तो हो सकता है कि टेंशन में इस तरह की बात कर दिए हो। तो जवाब आ गया जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि हमारे नेता को कौन किडनैप कर सकता है, नज़रबंद कर सकता है। 9 तारीख को सुधाकर सिंह के घर में ही नीतीश कुमार गरजने वाले हैं। 9 तारीख को उनका कार्यक्रम तय कर दिया गया है, 9 तारीख को रामगढ़ में वो गरजेंगे, उसके बाद तरारी भी जाएंगे। तो दोनों जगहों पर नीतीश कुमार की मीटिंग तय कर दी गई है और 10 तारीख को बेलागंज और इमामगंज में नीतीश कुमार की सभा होगी। तो इतना तय है कि नीतीश कुमार को किसी ने नज़रबंद नहीं किया है। आइए बात लालू प्रसाद की करते हैं। तो लालू प्रसाद को तो सबको पता है कि हेल्थ ग्राउंड पर बहुत मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन डिजिटल तरीके से झारखंड में भी और बिहार के उपचुनाव में भी उनकी उपस्थिति बहुत जल्द सामने आने वाली है। झारखंड में तो शुरू भी हो चुकी है, बिहार के उपचुनावों में भी लालू प्रसाद डिजिटल तरीके से अपने समर्थकों से, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे और जनता को बताएंगे कि ये सरकार जो चल रही है ये बिहार के लिए कितना बड़ा अभिशाप है। तो दोनों तरफ से स्थितियां साफ की गई है, लेकिन चर्चा सुधाकर सिंह के उस बयान की है कि आखिर सुधाकर सिंह ने उस भाषा का प्रयोग क्यों किया। आइए बात करिए प्रशांत किशोर की और पशुपति कुमार पारस की। तो पशुपति कुमार पारस के बड़े नेताओं की एक अहम बैठक हुई है पटना में और उसमें बहुत सारी चीज़ें तय की गई है। जैसा कि कहा जा रहा था, क्या पीके और पारस एक दूसरे के नज़दीक आएंगे,
तो इसका जवाब हाँ में है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने यह फैसला किया है कि उम्मीदवारों के वो देखकर वो अपना समर्थन देंगे। तो जो हमारे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इमामगंज वाली सीट पर पारस की पार्टी प्रशांत किशोर को अपना समर्थन दे सकती है और जल्द ही इसका ऐलान कर सकती है। इसके अलावा जो 3 सीटें हैं उसमें कैंडिडेट के आधार पर पशुपति कुमार पारस अपना फैसला लेंगे कि किनको देना है किनको नहीं देना है। उनके पार्टी से जुड़े लोग बताते हैं कि किसी पार्टी के हम साथ नहीं हैं, हम अच्छे लोग के साथ हैं, उम्मीदवार के साथ हैं। जहाँ जिनका अच्छा उम्मीदवार हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड का हो, बीजेपी का हो, आरजेडी का हो या प्रशांत किशोर का हो, हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और इस मुतल्लिक सारी बातें हो गई है, पार्टी का भी पुनर्गठन किया गया है। केशव सिंह जो लंबे अरसे से अलग थलग चल रहे थे पार्टी से, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कहा यही जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे और प्रिंस राज की जगह पर कोई दूसरा, खासकर उनके परिवार से हटकर किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्योंकि कहा यही गया उस मीटिंग में कि जब जब परिवार से हटकर किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, पार्टी बहुत आगे बढ़ी है। चाहे वो नरेंद्र सिंह रहे हों अध्यक्ष, चाहे बलियाबी जी अध्यक्ष रहे हों, पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। तो फिर एक बार किसी दूसरे को बनाने की बात चल रही है। देखिए ये इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है, लेकिन इस बैठक में साफ हो गया कि प्रशांत किशोर और पारस एक दूसरे के धीरे धीरे ही सही लेकिन नज़दीक आ रहे हैं। बात एक बार फिर सुधाकर सिंह की कहते हैं कि आखिर क्यों सुधाकर सिंह ने ये पागल शब्द का उपयोग किया, क्या उनकी हड़बड़ाहट थी, बौखलाहट थी कि क्या थी? तो चूंकि नीतीश कुमार को लेकर एक बात कही जाती है कि जब भी पब्लिक मंच पर होते हैं कुछ ऐसा कर देते हैं जो लोगों को, बिहार के लोगों को असहज कर देती है। चाहे वो अधिकारियों को कभी प्रणाम कर देते हैं कि आप जल्दी इस पुल को बना दीजिए, इस काम को जल्दी कर दीजिए। कभी, अब कल की ही बात है, कल आर के सिन्हा के उन्होंने पैर छू लिया आर के सिन्हा का। अब लोग कह रहे हैं कि सीनियर आदमी हैं आर के सिन्हा, समाज में इतना उनका कंट्रीब्यूशन है, अगर उन्होंने पैर छू ही लिया तो कौन बड़ी बात हो गई। लेकिन विरोधी क्या कहते हैं? विरोधी तो यही कह रहे हैं कि सार्वजनिक मंच पर केवल उल्टे पुल्टा काम नीतीश कुमार कर देते हैं, अधिकारियों को आप प्रणाम कर देते हैं, जिनको आपको आदेश देना चाहिए उनको आप प्रणाम कर रहे हैं। उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि ये तो विनम्रता है उनकी, इसमें गलत क्या है? कल जो ये पैर छूने वाला मामला हुआ, लोग कह रहे हैं कि सीनियर मोस्ट लोग हैं, उम्र में बड़े हैं, समाज में उनका कंट्रीब्यूशन है, अगर उनका पैर छू ही लिया तो कौन बड़ी बात हो गई। तो खैर, अपने अपना तर्क है, वितर्क है, जनता दल यूनाइटेड कुछ कह रहा है, आरजेडी कोई दूसरी बात कह रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक जो जनता है बिहार की, वो क्या सोच रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या 14 करोड़ लोगों का मुखिया अगर सार्वजनिक मंच पर इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो क्या ये मैसेज सही जा रहा है या नहीं जा रहा है? ये एक बहस का इशू है। जो बिहार की छवि बाहर जो जा रही है वो कैसी जा रही है? जब हेड ऑफ द स्टेट इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो मैसेज क्या जा रहा है? अब आरजेडी के लोग क्या कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के सामने पूर्णतः समर्पण कर दिया नीतीश कुमार ने, पैरों पर गिर गए। जिनको हम लोग पैर छूना की शब्द दे रहे हैं, आरजेडी के लोग कहते हैं कि पैर पर एकदम सरेंडर कर गए, समर्पण हो गया बीजेपी के सामने नीतीश कुमार का और जनता दल यूनाइटेड का। खैर, वो विपक्ष में है, वो इसी भाषा बोलेंगे ही बोलेंगे, जैसे सुधाकर सिंह ने बोल दिया। लेकिन एक निष्पक्ष तरीके से एक सोचने वाली बात जरूर है कि इस तरह की चीज़ें क्या बिहार की छवि को, जो बनी हुई है बिहार की एक अच्छी छवि जिसको नीतीश कुमार ने ही अपने दिन रात मेहनत से बनाया है, उसमें कहीं डेंट लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये एक सोचने वाला सवाल है। देखिए इस पर क्या बात होती है, लेकिन इतना तय है कि जो अब चुनाव जैसे जैसे गर्मा रहा है, लोगों की भाषाएं बेलगाम हो रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि एक भाषा पर नियंत्रण रहेगा, एक मर्यादा रहेगी और उस मर्यादा के अंदर रहकर ही चुनाव संपन्न होगा तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। हार जीत अपनी जगह पर है, एक को जीतना है, एक को हारना है, बहुत सारी चीज़ें चुनाव में तय हो जाती है,
बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएगी, लेकिन अगर बिहार के छवि को डेंट लगेगा तो उसको भरपाई बड़ा मुश्किल हो जाता है इसका। अभी छठ में लोग आ रहे हैं बिहार, वो क्या सोचेंगे जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, बिहार का समझिए कि इमेज बनाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बिहार के होते हैं, वो जब पटना अपने घर जाएंगे, बिहार के अलग अलग ज़िलों में जाएंगे, उनको कुछ सुनने को मिलेगा तो वो क्या फील करेंगे, इसका भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।